What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 27 फरवरी 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:26 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। इस वीक हम देख रहे हैं ज़बरदस्त कमजोरी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट्स भी सेम सिचुएशन से अभी दिखाई दे रहे, और अगर ये कोरोना वायरस को देखें तो अभी ये पूरी दुनिया भर फैलता हुआ नज़र आ रहा है। यूरोप में भी ये पहुँच चुका है, तो चाइना के बाद अभी यूरोप में पहुंचता है, तो इसका ट्रैवल एंड टूरिज्म पे भी असर गिरेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे तो अभी आने वाले क्वार्टर में इसके असर दिखाई देंगे, लेकिन अभी यूरोप तक पहुंच गया, यूएस ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया, तो इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट्स भी ज़बरदस्त गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो वायरस है, इसका कोई हल सॉल्यूशन जब तक नहीं आता, इसके बारे में कोई अच्छी खबर नहीं आती, तब तक ये प्रेशर, ये पैनिक सिचुएशन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह कल का पिक्चर है, यानी 26 फरवरी आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,779। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बना, क्योंकि जो हमारा सेकेंड टारगेट था उसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और ऊपर आने की कोशिश किया, तो सेकेंड टारगेट का यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करके काफ़ी देर तक सेम सिचुएशन जैसा मंडे था, ट्यूसडे था, एक ज़बरदस्त मूवमेंट के बाद, शुरुआती मूवमेंट के बाद एक फ्लैट पैटर्न में, एक स्लगिश पैटर्न में ट्रेड होते रहा। और जब ये यहाँ पर ऊपर पहुँचा तो ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने फिर से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया और टूवर्ड साउथ की तरफ मूवा। तभी डेढ़ बज चुका था, तभी यूरोप के मार्केट्स भी ओपन हो चुके थे, और यूरोप में जैसे कि हमें पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो वहाँ पर भी मार्केट जो है वो फिर से एक बार दबाव में ट्रेड कर रहे थे, और उसका असर इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। तो यहाँ से जैसे ही ये फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,758 और सेकेंड टारगेट 11,742 ये यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। कल भी यूएस मार्केट्स में ज़बरदस्त दबाव देखने को मिला, हालांकि थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन बियर्स काफ़ी हावी थे। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लंदन मार्केट और कैक में हमें थोड़ा सा अभी कल एक हल्की सी रिकवरी की कोशिश वहाँ पर देखने को मिली। एशियाई मार्केट आज भी लगभग सभी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। चाइना मार्केट हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, लेकिन एशियाई बाजारों में अभी भी दबाव बना हुआ है। डाउ फ्यूचर देखे तो 293 पॉइंट की गिरावट इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन अभी भी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकता है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे यहाँ पर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था, उसका 61.8% का लेवल 11,600 के पास आ रहा था, जहाँ पर ये 50 EMA का ब्लू लाइन है। तो यहाँ पर हमने ये जब बजट के बाद जो फॉल आया था, तो वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिखाया, तो सो सेम अभी उसी लेवल के पास ही 11,600 के पास है। तो अभी पैनिक सिचुएशन पे कहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर हम इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर एक लास्ट स्विंग हाई जो बना था वो अराउंड 11,500 के पास बना था। तो यहाँ पर अगर ये 11,600 को ब्रेक करता है तो ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पर पास्ट में, वो अभी हो सकता है सपोर्ट का काम करे। तो 11,600 एक क्रूशल सपोर्ट है, इसे अगर ब्रेक करता है तो नीचे 11,500 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में कल जैसे यहाँ पर निगेटिव क्रॉस ओवर हुआ था 20 और 50 EMAs का, तो और उसके बाद 100 EMA को भी इसने कंफर्टेबली ब्रेक कर दिया था। अगर 100 EMA को ये सिंपल 200 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज में अगर कन्वर्ट कर दे तो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ही आकर कल क्लोज हुआ था।
यानी 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। पास्ट में भी हमने देखा था यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ था, तो क्या यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक हो सकता है? अभी तो फिलहाल कोरोना वायरस का एकदम से असर हमें दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, तो बाउंस बैक यहाँ से कोई भी आता है वो सिर्फ और सिर्फ रिकवरी होगा। जब तक यहाँ पर हायर बॉटम्स, हायर हाई, हायर लोज नहीं बनते, ऐसे सिचुएशन में ऐसा पैटर्न जब तक नहीं बनता तब तक यहाँ पर अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए हमें नहीं दिखाई सकती एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर 200 डेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस समय हमें देखने को मिल सकता है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट में अगर दो दिन पहले अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर ये जो स्विंग लो हाई बना है इसको पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। तो पहला तो इसने 100% का ये जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, इसको ब्रेक करने के बाद जो पास्ट में यहाँ पर ये गैप क्रिएट हुआ था, ये यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था, इसका जो इनिशियल पॉइंट था इसका सपोर्ट यहाँ पर इसने टेस्ट किया था। उसके बाद कल एग्जैक्ट ये 123.6% के पास यहाँ पर ये ओपन हुआ, फिर 138.2% के पास इसने यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट किया और फिर से एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की। और जैसे ही यहाँ से यूरोपियन मार्केट्स ओपन हो चुके तो फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और 150 का ये जो लेवल है 11,645 इसी के पास इसने एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया और फिर बाउंस बैक दिखाया। तो अभी नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट 11,600 का है जहाँ पर 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज भी आ रहा था। वीकली चार्ट में हमने देखा कि वहाँ पर 50 EMA भी वीकली चार्ट में 11,600 के पास आ रहा था, तो 11,600 एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो और भी यहाँ पर पैनिक मूव हमें देखने को मिल सकती है। RSI भी अभी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है लास्ट 2-3 डेज से, तो यहाँ पर जब भी आता है ओवरसोल्ड जोन में तो एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है, तो हो सकता है यहाँ से फिर से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हालांकि ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है इसे अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी फेज होगा। तो यहाँ पर ये RSI ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। आज क्या हो सकते हैं निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो कल का लो है यानी 11,635 इसके नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,617 जो कि S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, और सेकेंड टारगेट यहाँ पर होगा 11,600 जो कि क्रूशियल सपोर्ट का काम कर सकता है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, ज़बरदस्त गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, वेट एंड वॉच करें। और अगर 11,600 के नीचे अगर आर्ली या हाफ एन आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो 11,700 जो कि पिवट पॉइंट का लेवल है इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,723, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,751, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।